वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार नई योजना धमाका, क्रेडिट कार्ड नई योजना का धमाका सरकार ने किया है। 3-3 लाख रुपए सभी को। साथियों विस्तार से इसकी जो आपको हम ए टू जेड जानकारी इस योजना की आपको इस वीडियो में प्रदान करेंगे। दोस्तों चाहे इसकी कोई भी शर्त हो, कुछ भी हो, पूरा देख लेना। एक जानकारी छूटेगी नहीं, एक जानकारी बचेगी नहीं। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूँ। और मेरे साथ जुड़े हो तो आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो कि भाई मुझे ये नहीं पता चला कब ये योजना कब चली गई, या फिर कब बीपीएल का ये हुआ, कब ये राशन का हुआ, कब फैमिली आईडी का हुआ। या तो आप मेरे साथ जुड़े नहीं या फिर मेरे को देखते नहीं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा का लिंक मैंने दे दिया है, आप मेरे साथ जरूर जुड़े। आज के प्रमुख प्रिंटिंग मीडिया में ये प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। पशुपालक किसान क्रेडिट योजना का जो है उठाएं ज्यादा से ज्यादा लाभ। पशुपालक किसान क्रेडिट योजना का लाभ उठाएं, डीसी कृषि मंत्री जेपी दलाल, यहां पूरा इसका दिया गया है। ये आज के भिन्न भिन्न समाचार पत्र हैं। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना अपनाकर उठाएं लाभ। तो अब इसका पूरा मैं आपको बता देता हूं। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत क्या 3 लाख रुपए किस तरह दिए जाते हैं, किस तरह आप इसके फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों पशुधन किसान क्रेडिट योजना का लाभ उठाकर आजीविका के साधन विकसित किए जा सकते हैं। इच्छुक किसान सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना के तहत जो ये क्रेडिट कार्ड जो ये बनता है, ये क्रेडिट कार्ड बनता है आपका, यदि आपके पास गाय है या भैंस है या भेड़ है या बकरी है, इसका नाम मैं लूंगा नहीं, आप खुद देख लेना, या फिर मुर्गी है। तो साथियों इनके रख रखाव के लिए सरकार 3 लाख रुपए तक का जो है लोन देती है। और इस लोन को देने से पहले सरकार क्रेडिट कार्ड आपसे बनवाती है, फिर आपके उस क्रेडिट कार्ड में पैसा डालने का काम करती है। तो ये कैसे बनेगा? छोटे किसानों की पशुपालन व अन्य संबंध क्षेत्रों से होने वाली इनकम को बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना चलाई जा रही है। ये जो वो होते हैं किसान होते हैं, अधिकतर जो है इन्हीं पर इनका जो है मैन वो होता है, ठीक है, वो एक प्रकार से कहूँ तो निर्भर जो है पशुओं पर किसान होता है। तो ये जो है इनको लाभ दिया जा सके, इनको उठाया जा सके, तरह तरह की योजनाएं सरकार इसको लेकर चलाती है। इस योजना के तहत किसान अपने पशुओं की देखभाल पर होने वाले खर्च के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन प्राप्त कर सकता है। कोई भी पशुपालक 1,60,000 रुपये तक की राशि की जो है 1,60,000 रुपये तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे व बिना किसी गारंटी के कोलेटरल सुरक्षा बनवा सकता है। तो 1,60,000 रुपये यदि आप लोगे तो आपको जो है कोई गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है वो क्रेडिट कार्ड 1,60,000 तक का आप बनवाओगे तो कोई गारंटी ना जमीन गिरवी रखना ना कुछ रखना, किसी चीज की कोई गारंटी की जरूरत नहीं, सरकार खुद आपकी गारंटर बनेगी। यदि आप जो है इसे अब आगे देखिए साथियों पूरा समझाते चलेंगे। यदि कोई पशुपालक 1,60,000 से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या कोई गारंटी देना जरूरी होगा। तो भाइयों बहनों 1,60,000 तक तो कोई किसी चीज की कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। यदि 3 लाख तक का आपको चाहिए, 1,60 से अधिक का चाहिए, तो फिर भैया आपको जमीन गिरवी रखना होगा या फिर जमीन की गारंटी आपको देनी होगी। 1,60 तक 1,60,000 तक किसी चीज की कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड को सालाना 7% साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा लोन दिया जाएगा। यदि कार्ड धारक अपना लोन जो है समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से 3% का ब्याज का छूट मिल जाएगा। उसे 4% के हिसाब से लोन ऋण चुकाना होगा। तो भाई यदि जो है 7% के हिसाब से आपको ये लोन दिया जाएगा, यदि आप 1 साल के अंदर जो है समय पर आप ये जो है लोन चुका देते हो, जितनी भी आप 1 साल का या 2 साल का लेते हो, यदि आप समय पर चुका देते हो तो आपसे लगेगा 4% का, फिर इसमें से इस 7% में से 3% सरकार खुद आपका ये भुगतेगी। इस ब्याज को सरकार खुद अपनी जेब से भरेगी। यदि आप इसको समय पर नहीं चुकाते हो तो फिर आपसे लिया जाएगा भाई 12% की दर से। ये देख लो, अगर समय पर चुका देते हो 3% की छूट है, समय पर नहीं चुकाते हो तो फिर आप पे जो है 5% की पेनल्टी है, यानी कि 4% की जगह आपको सिर्फ 12% चुका जाएगा अगर आप समय पर नहीं चुकाते हो तो। कार्ड धारक द्वारा ऋण की राशि जरूरत के अनुसार समय समय पर ली जा सकती है और सुविधा अनुसार जमा करवा सकती है। आप 1,60 जो है एक किस्त में ना 3-4 में भी ले सकते हो और 3, 4 या 10 किस्तों में भी आप उसे जमा करवा सकते हो। साथियों कार्ड धारक को ऋण जो राशि निकलवाने या खर्च करने से 1 साल की अवधि के अंदर किसी भी एक दिन ऋण की पूरी राशि को जमा करवाना जो है
जरूरी है दोस्तों। यहाँ आगे मैं अब आपको बता देता हूँ इसमें किस तरह वो करना होगा। तो भाई आपको जो है कुछ नहीं करना, इसमें आपको सिर्फ ये करना है, आप जो है नज़दीकी या तो बैंक से ये बनवाएं अपने से, या फिर आपका जो पशु चिकित्सा पशुपालक आपने नज़दीकी जो राजकीय पशु चिकित्सालय है या बैंक में जाकर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों या तो अपनी जो है बैंक में जाइए या फिर अपना जो है जो आपका पशु अस्पताल है नज़दीकी वहाँ जाकर, इन दोनों जगह जो है ये आपका किसान क्रेडिट कार्ड पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड आपको बना दिया जाएगा। तीसरा, आप जो है पशुपालन विभाग का दफ्तर है प्रत्येक ब्लॉक और जिला लेवल पर रहता है, वहाँ जाकर भी आप इसको क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हो। फिर आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए, इसका फॉर्म भरने के लिए आपको आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पशु का बीमा होना चाहिए, पशु का जो है हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चार पांच दस्तावेजों की इसके अंदर ज़रूरत होती है और ये जो है कोई इतने बड़े दस्तावेज नहीं होते जिसमें आपको दिक्कत आए। तो दोस्तों ये पूरी योजना थी, 1,60,000 रुपये जो है बिना किसी गारंटी के मिल जाएंगे और 3,00,000 रुपये जो है आपको भैया कुछ गारंटी देकर ही आपको 3,00,000 मिलेंगे अगर आप 1,60,000 से अधिक का लेते हो। 7% का ब्याज है, यदि आप समय पर भर देते हो तो 4% लगेगा, यदि आप समय से लेट करते हो तो 12% लगेगा। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, जय हरियाणा, चैनल सब्सक्राइब जरूर।